ईद मुबारक गाइस। मैं हूँ दीपिका ककर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। और आज है ईद की सुबह, अभी सुबह हो गई है और मैंने सोचा आज तो ब्लॉग बनता ही है, पिछले कुछ दिनों से कुछ हुआ नहीं। और देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत सजावट स्टार्ट हो गई है, इस पर ज़्यादा कुछ नहीं है। एक तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। सो गाइज, जिस भी सिटी में ज़्यादा है रेनफॉल हो रही है, वो लोग प्लीज़ सेफ रहें, अपने अपने घर में रहें। आज हम लोग भी कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं ऑब्वियसली, बिकॉज बहुत ज़्यादा बारिश है, इसीलिए सब लोग बहुत केयरफुल हैं। तो बहुत एक होमली सी सेलिब्रेशन होगी। एंड आप सबके सरप्राइज़ के लिए इस बार मैं कुछ भी कुकिंग नहीं कर रही हूँ, मेरी किचन से छुट्टी है, क्योंकि कल के कुछ प्लान्स हैं वो आपको कल पता चल जाएगा। शोएब के व्लॉग से तो डेफिनेटली पता चल जाएगा, मेरे से भी पता चल जाएगा, तो वो मैं थोड़ा सस्पेंस रहने देती हूँ। तो इसलिए शोएब ने कहा कि बिल्कुल भी थकना नहीं, किचन में आज तुम बिल्कुल नहीं लगोगी, तुम पूरा जो दावत हमेशा बनाती हो वो नहीं बनाओगी। तो आज खाना जो है हमने बाहर से मंगवाया है शाम की दावत का। मैं लेकिन फिर भी सोच रही हूँ कि थोड़ा कुछ तो मैं बनाऊँ। सबसे मेन मैं सेवैयाँ तो ज़रूर बनाऊँगी, वरना मुझे बहुत ऐसे अधूरा अधूरा सा लगेगा। तो चलिए पहले सेवैयाँ बनाते हैं। सो मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ मैंने ना रबड़ी बनने के लिए रख दी है, काफ़ी देर भी हो गई है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं बाहर से जलेबी मंगवा लूँगी, तो रबड़ी जलेबी जो सबका फेवरेट है एक वो हो जाएगा। एंड ये मैंने दूध पका लिया है फॉर सेवई। आज मैं शीरकोरमा नहीं बना रही हूँ, मैं वो गाढ़ी वाली सेवैयाँ होती है ना वो बना रही हूँ। वैसे तो ये शोएब को बहुत पसंद है, पर आज शोएब बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे है, तो मुझे नहीं लगता शोएब ये खाएंगे और मैं भी उनकी डाइट नहीं दूंगी। तो ये मैं इस तरीके से बनाती हूँ, आई एम श्योर आप लोग काफ़ी अलग अलग तरीके से बनाते होंगे। अब ये दूध में सबसे पहले मैं डालूंगी थोड़ा सा इलायची पाउडर, ये 2.5 लीटर दूध है। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है और मैं बार बार उसे स्टर कर रही हूँ ताकि दूध नीचे लगे ना। और अभी मैंने ये एकदम जिसमें हम बॉईल करते हैं मैं उसी पतीले में से पकाऊंगी। मैं हमेशा सेवइयों को थोड़ा थोड़ा सा क्रैक कर लेती हूँ ताकि वो एकदम ज्यादा लंबी ना हो। सो थोड़ी देर दूध को पकाने के बाद मैंने सेवइयां इसमें डालना शुरू कर दिया है, ये मैंने सारी सेवइयां इसमें डाल दी। सो अब मैं इसे धीमे आंच पे काफी देर तक पकने दूंगी। बेसिकली इसमें मुझे वो कढ़ा हुआ टेस्ट चाहिए, इसलिए मैं शुगर नहीं डालने वाली हूँ, मैं इसमें मिल्कमेड डालने वाली हूँ। तो पहले मैं सेवइयों को करीब 50% तक पक जाने दूंगी, उसके बाद मैं मिल्कमेड डालूंगी। तो अभी हम इसे धीमी आंच पे छोड़ दें। सो अब मैं इसमें डाल दूंगी मिल्कमेड। मैं पहले आधा कैन ही डाल रही हूँ, क्योंकि हम लोग को स्वीट थोड़ा मीडियम अच्छा लगता है, एकदम ज्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता। फिर टेस्ट करके देखते हैं, अगर लगा तो हम थोड़ा सा और डाल देंगे, लेकिन आई थिंक दिस ना शुड बी फाइन। अब इसे काफी देर तक मैं पकने दूंगी और उसके बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालेंगे। तो नाउ इसको अच्छे से कड़ने देंगे फॉर दैट नाइस फ्लेवर। सो अब ये देखिए ये बहुत अच्छे से थिक हो गई है। अब मैं इसे, अब ये मैं करती हूँ, आप ये टोटली अवॉइड भी कर सकते हैं, आपको प्लेन से अच्छी लगती है तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। अब मैं इसे थोड़ा सा, शीरकोरमा में हम लोग बहुत सारा घी और ड्राई फ्रूट डालते हैं, अब मैं एकदम थोड़े से घी में ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करूंगी और ये डाल दूंगी, तो बात वही हो जाएगी, पर हमें ज्यादा गाढ़ा मिलेगा और घी बहुत कम मिलेगा। सो ये देखिए मैंने बस इतना सा घी लिया है, ये थोड़ा सा इलायची पाउडर और घी गर्म होते ही मैंने डाल दी थोड़ी सी चिरौंजी। और ये है ड्राई फ्रूट्स का पूरा मसाला टाइप, मैं बना के हमेशा रखती हूँ, मैं इसे फ्रीजर में रखती हूँ ताकि आपके ड्राई फ्रूट्स खराब ना हो या इसमें जाला ना जमे या कीड़े ना पड़े। अब जैसे ये देखिए मैंने इसमें बादाम, काजू और पिस्ता एक साथ, वो हैंड क्रशर होता है ना उसमें क्रश किया हुआ है, तो हल्का हल्का मोटा भी है और बाकी पाउडर बना हुआ है। सेवई, खीर या मसाला दूध अगर आप बना रहे हैं तो उसमें डालने के लिए बेस्ट है, क्योंकि मुंह में भी नहीं आते लेकिन आपको पूरा टेस्ट प्रॉपर मिलता है। तो अभी ही इसमें डाल देंगे ये। और वैसे तो इसमें किशमिश बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हमारे घर पे किसी को नहीं पसंद, इसलिए मैं इसमें किशमिश नहीं डाल रही हूँ।
आप चाहें तो इसमें किशमिश ऐड कर सकते हैं। सो बस अब ये हल्का सा ही रोस्ट करना है, बिल्कुल भी जलने नहीं देना है हमने। अब मैं इसमें डाल दूंगी अपनी सेवई, आंच धीमी रखिएगा। पहले एक दो डालना इसलिए जरूरी है ताकि वो एकदम से आप पे उड़े ना, एंड ऑब्वियसली द सेवई इज हॉट सो प्लीज बी केयरफुल। तो अगर आप डिफरेंस देख सकते हैं तो जो शीर कोरमा होता है वो बहुत ही ज्यादा हम लोग पतला बनाते हैं, ये जो है बहुत थिक बना है। हमारी सेवई रेडी है और मैं इसे ऑफ कर रही हूँ और मैं इसे ढक के रख दूंगी, और जैसे जैसे ये ठंडी होगी वैसे वैसे ये और ज्यादा थिक होती जाएगी। और अगर आपके पास वो मिट्टी वाले मटके या जो वो फ्लैट कटोरे आते हैं वो हैं तो उसमें सर्व करने के लिए सबसे बेस्ट रहेगी ये, पर मेरे पास वो नहीं है तो मैं नॉर्मल कटोरी में ही सर्व करूंगी। So, हर बार आपने देखा है कि हमारे जो डाइनिंग टेबल है उसके बीच में हम एक बड़ा सा ऐसे एलैबोरेट सा बुके रखते हैं, फ्लावर अरेंजमेंट रखते हैं, लेकिन इस बार ना मुझे इस तरह से तीन अलग अलग चाहिए थे क्योंकि इस बार मैंने ये मंगवाया अपने लिए। एक्चुअली मुझे इस तरह की ब्रास ये एंटीक लुक वाली थोड़ी सी चीज़ें जो डेकोर की होती है मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड मुझे कैंडल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं बहुत समय से कोई अच्छा कैंडल स्टैंड डाइनिंग टेबल के लिए ढूंढ रही थी एंड आई क्वाइट लाइक दिस, तो इसीलिए मैंने ये दो मंगवाए हैं। ये एक मैंने असेंबल कर दिया है, चलिए अभी दूसरा असेंबल करते हैं फिर और टेबल को डेकोरेट करते हैं। ये हमारा शाम का खाना आ चुका है तो ये आज पर्शिया दरबार से हमने पूरा का पूरा खाना मंगवाया है दावत का। सो ये इस बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, हमने क्या क्या मंगवाया, क्या कितना अच्छा है, कैसा है एंड ऑल दैट। तो अभी सबसे पहले हम ये असेंबल करते हैं। तो मेरे दोनों एंड्स के लिए कैंडल स्टैंड्स रेडी है, क्यूट लग रहा है ना। ये भी मैंने नया मंगवाया क्योंकि मैं इत्तेफाक से अपने कुकिंग ब्लॉग्स में हमेशा बोला करती थी कि सबसे ज्यादा आपके खाने का जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो होता है प्यार, प्यार से आप जो भी बनाओ वो अच्छा बनता है, एंड आई गॉट इट, द सीक्रेट इंग्रेडिएंट इज ऑलवेज लव। यस दैट्स राइट। सो अब मैं डाइनिंग टेबल पे बिछाने वाली हूँ ये है सेंटर का रनर प्लस टेबल मैट्स। टेबल मैट्स मैं अवॉइड करने वाली हूँ कि कोई भी टेबल बैठ के खाता नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सर्व होगा, बट आई विल डेफिनेटली पुट द रनर, तो उससे ये फ्लावर्स को और जो कैंडल स्टैंडर्स को और ज्यादा डेफिनेशन मिलेगा। तो वो रॉयल डिनर टेबल का फील आ रहा है। शाम के 7 बज गए हैं, बस मैं अभी जाऊंगी, मैं चेंज करूंगी, शाम के आउटफिट में रेडी होंगी, शोएब रेडी होंगी, मेरा इस आउटफिट में फोटो शूट हो गया, शोएब ने क्लिक कर दिया, जो आप शायद अब तक देख चुके होंगे या कल देखेंगे पता नहीं मुझे। क्योंकि ईद के दिन मेरे साथ हमेशा होता है, पता है मैं फोटोज खींच तो लेती हूँ पर मुझे डालने का वक्त नहीं मिलता, तो हमेशा ईद क्या घर के हर फंक्शन में मेरे साथ ऐसे होता है कि 12 बज के जा चुके होते हैं तब मैं किसी के हैप्पी बर्थडे का पोस्ट डाल रही होती हूँ, पर कोई बात नहीं, चलिए अभी मैं रेडी होती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। ये है मेरा शाम का आउटफिट, ये देखिए मैंने ये मिरर वर्क वाला फैब्रिक मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था और ये कलर भी वन ऑफ माय फेवरेट्स है। सो इस तरह से मैंने स्लीव्स के एज पे बॉर्डर लगवाया है, स्लीव्स प्लेन बनवाई हैं और ये लेस जमील भाई ने ऊपर से लगा दी, ये मैंने बोला था उन्हें लगाने के लिए बिकॉज मैं इस तरह से एजिंग चाह रही थी। सो स्लीव्स के एंड पे, अनारकली के एंड पे हमने ये लगाया है, और ये रहा दुपट्टा, ये हमने शेडेड लिया है, उसके जो विर्थ है वहाँ पे इस तरह से ये ब्रॉड बॉर्डर कपड़े का और एंड में गोटा और वो सेम लेस जो मैंने लगवाई। तो मुझे अपना आउटफिट बहुत अच्छा लगा, अब आप बताइएगा। सो मैं रेडी हो गई हूँ और हम मैंने और शोएब ने फोटो सेशन भी कर लिया है और अब सब लोग आने वाले हैं, तो अब मैं खाना गरम करके परोसने की तैयारी कर रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सो ये है आज के स्टार्टर्स जो पर्शिया दरबार से आए हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया स्टार्टर्स हैं मटन गलौटी कबाब और चिकन सीख कबाब। यम,
और ये है बकलावा। मैंने सोचा क्यों ना कुछ अलग सी स्वीट ट्राई की जाए, हमने आज तक कभी ये ट्राई नहीं किया है, तो मैंने अलग अलग तरीके के बकलावा ऑर्डर करके मंगवाए और मैं ये एक प्लेटर पे प्लेस कर रही हूँ ताकि टेबल पे ये स्वीट रहे। एंड ट्रस्ट मी गाइज, दिस वॉज यम, परफेक्ट स्वीट, परफेक्ट बैलेंसिंग एवरीथिंग। तो मैंने अलग अलग टाइप के बहुत मंगवा लिए, कैशू नट बकलावा, मिक्स ड्राई फ्रूट बकलावा, और ये अभी जो मैं रख रही हूँ वो है चॉकलेट बकलावा। इट वॉज यम। अम्मी ने और मैंने इस बार इत्तेफाक से नहीं, इस बार सोच के डिसाइड करके ट्विनिंग शेड लिया है। जैसे हम दोनों को हमेशा जब भी जाते हैं बाय डिफॉल्ट एक ही चीज पसंद आती है, ये हम दोनों के साथ भी होता है और ये सब और मेरे साथ भी होता है। वो फ्लावर पॉट आपको याद है जो मैं उठा के लाई थी, वो भी उठा के लाई थी जब अकेले गई थी। तो हम तीनों की पसंद बहुत मिलती है। तो अम्मी ने येल्लो पसंद किया, फिर हमने सबकी शॉपिंग खत्म की, फिर मुझे भी येलो ही पसंद आया, तो मैंने बोला छोड़ो हम साथ में यही पहन लेंगे। तभी तो अल्लाह ने मिलाया। अब पहली बार भी पसंद आ गया है ना। हाँ, आपको भी मुझे भी दिल में बस कहते कि यही लेना है बस। तो आज तो एकदम हम अच्छी अच्छी वाली फोटो खींचे, हमसे अच्छी हमारी बहू लग रही है। स्टार्टर स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन मैं सबसे पहले शुरू कर रही हूँ इससे। तो ये है हमारा टेबल स्प्रेड आज का। ये टू बिगिन विथ माय स्वीट ऑफ द डे बकलावा। ये स्टार्टर्स आपने देख लिया ऑलरेडी, ये है मटन गलौटी कबाब, चिकन सीख कबाब, और ये है हरा भरा कबाब, टू के सम केचप टू गो विथ इट। फिर ये है चिकन लबाबदार, ये है मटन दो प्याजा, ये है चिकन बिरयानी, और ये है नान, और ये है रुमाली रोटी, एंड दिस इज द डिजर्ट, ये है फिरनी एंड रबड़ी। भूख लग गई, चलो खाते। तो खाना दिखने में ही नहीं, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा लजीज था, हम सब ने बहुत इंजॉय किया। एंड द फूड वॉज फ्रॉम पर्शिया दरबार, इट्स अ रेस्टोरेंट एंड द फूड इज यम, सो आप भी जरूर ट्राई कर सकते हैं जो भी मुंबई में है। हो गया है आज का दिन खत्म, सब जा चुके हैं, सबने खाना बहुत अच्छे से खाया, शाम बहुत अच्छे से इंजॉय की, और मुझे हमेशा इन्हीं सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। यू नो, त्योहारों के दिन यही तो होते हैं कि अपनों के साथ बैठो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा अच्छा खाना खाओ, कुछ बातें करो, कुछ हंसी मजाक के पल। बस ऐसा ही कुछ था आज का दिन। खाना सबको बहुत पसंद आया, सबको कपड़े बहुत अच्छे लग रहे थे, सब लोग बहुत अच्छे लग रहे थे माशाल्लाह, और मुझे बहुत खुशी हुई कि कपड़े सारे मैंने चूज किए थे, मैंने डिजाइन किए थे, ऑब्वियसली हम सब साथ में गए थे तो सबकी पसंद भी थी, लेकिन डिजाइनिंग मैंने की थी तो मैं बहुत खुश हूँ। आई नो आप सब लोग के मन में एक सवाल होगा कि शोएब ने आज कोई ब्लॉग क्यों नहीं बनाया, एंड शोएब के चैनल पे कई दिनों से कोई वीडियो नहीं आया है। जस्ट दैट वो कुछ दिनों से थोड़े से लो रहे हैं, क्योंकि घर पे सबकी तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे रही है, पहले रिजा रेहान, फिर अम्मी, और आज अम्मा वॉज बेसिकली कंप्लेनिंग ऑफ लेग पेन, और उसके साथ उनके फीट में बहुत ज्यादा वाटर रिटेंशन हो गया है। आई थिंक इट्स एज फैक्टर, और डॉक्टर से हमने बात बात कर ली है, सो नथिंग टू वरी। इस वजह से लेके शोएब का माइंड फ्रेम थोड़ा ठीक नहीं था, वो थोड़े से लो थे, और वो उनका एक है कि वो सिर्फ बनाना है इसीलिए वीडियो नहीं बनाते, वो इंतजार करते हैं, क्योंकि वो ये बहुत शिद्दत से इस चीज में बिलीव करते हैं कि अगर वो आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो अच्छा होना चाहिए, आपको देखने में मजा आना चाहिए। तो मैंने कोशिश की कि मैं आज की थोड़ी सी झलक आपके साथ शेयर कर सकूं। आई होप आपको वो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज से लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शोएब इब्राहिम ऑफिशियल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि कल से हम कहीं जा रहे हैं और आपको बहुत मजा आने वाला है कल के बाद से व्लॉग्स देख के। सो स्टे ट्यून्ड।